यार देखो, आज का ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री फायर में सही से सेटिंग कैसे कर सकते हो। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मेरा मतलब है कि ये जो आपकी कंट्रोल सेटिंग है, इसको आपको किस तरीके से क्या क्या रखना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये जो हमारे फ्री फायर वाले हैं, ये कितने ज्यादा महान और दयावान हैं। इनको हर अपडेट में कंट्रोल सेटिंग और डायमंड के प्राइस में कुछ ना कुछ ऐड करना ही होता है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको इनमें से 5-6 सेटिंग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और पक्का गलत सेटिंग में खेलते होगे। जिसको ऑन करना चाहिए उसे ऑफ कर देते होगे, जिसको ऑफ करना चाहिए उसे ऑन कर देते होगे। और वही तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हो और बस सोचते रह जाते हो कि भाई ये सामने वाला बंदा तो इतना अच्छा खेल पा रहा है, लेकिन हम नूबड़ों की तरह खेले जा रहे हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नई नई चीजें पता चलने वाली है। इसीलिए वीडियो का एक पार्ट भी स्किप मत करना, और जल्दी से एक बार वीडियो के नीचे देखो, आपने अभी तक लाइक वाले बटन पे क्लिक नहीं किया है तो भाई एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। और जो बंदे नए आ रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ सिंपली अपनी कंट्रोल सेटिंग्स में, और यहाँ पे जो सबसे पहला ब्लॉक है ना, वो है शूटिंग का। और इसमें हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है एम प्रिसीजन, दूसरा है लेफ्ट फायर बटन, और तीसरा है होल्ड फायर टू स्कोप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने एम प्रिसीजन को डिफॉल्ट पर रखोगे तो क्या होगा। तो अगर आपने इसे डिफॉल्ट पे रखा हुआ है तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मान लो कि आपने अपने एम को अपने एनिमी के थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है, तो जैसे ही आप अपने एक बार अपने फायर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका एम ऑटोमेटिकली एनिमी के ऊपर चला जाएगा। और साथ ही में अगर आप अपने एम को एनिमी के थोड़ा सा बगल में रखकर अपने स्कोप को एक बार ऑन ऑफ करोगे तो आपका एम तब भी ऑटोमेटिकली एनिमी के ऊपर आ जाएगा, जो कि आपको दूर वाले एनिमी को मारने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर हम इसे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे रखकर खेलेंगे तो तब अगर आप अपने स्कोप को ऑन ऑफ करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली एम लॉक नहीं होगा। जहाँ पर आपने अपने स्कोप को ऑन किया होगा एग्जैक्टली वहीं पर आपका स्कोप ऑफ हो जाएगा। और अगर आप इसे फुल कंट्रोल पे कर दोगे तो आपका एम लॉक 0% हो जाएगा। मतलब आप चाहे अपने स्कोप को ओपन करो या फिर ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एम लॉक होने ही नहीं वाला। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी एनिमी के बगल में एम को रखकर फायर करोगे तो आपकी जो बुलेट है वो थोड़ा सा बगल में ही जाएंगी, बिल्कुल भी एनिमी के ऊपर नहीं आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेफ्ट फायर बटन का। तो अगर आपने अपने लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे सेट कर दिया है तो हमारी कस्टम एचयूडी में लेफ्ट फायर बटन पूरे टाइम दिखेगा। लेकिन अगर आपने इसे शो व्हेन स्कोप्ड पे सेट कर दिया तो ये आपको तभी दिखेगा जब आपने अपने स्कोप को ओपन करा होगा। स्कोप को ऑफ करते ही ये गायब हो जाएगा। तो इस बटन का ज्यादातर 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर प्लेयर यूज करते हैं फास्ट ग्लू वॉल लगाने के लिए, तो आप भी इस बटन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा होल्ड फायर टू स्कोप वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर चलाने के लिए ही है। जैसे कि मान लो आपने इसे ऑन किया हुआ है ना, और आप M82B Kar98 या फिर AWM है ना, या फिर कोई सी भी स्नाइपर चला रहे हो, तो जैसे ही आप अपने फायर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्कोप ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप अपने फायर बटन को छोड़ोगे तो आपका एक बुलेट फायर होते ही आपका ऑटोमेटिकली स्कोप ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप होल्ड फायर टू स्कोप को ऑफ करके फायर बटन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपकी एक बुलेट फायर ही होगी, कोई भी स्कोप ओपन नहीं होगा। तो भाई अगर आप स्नाइपर चलाते हो ना, तो आपको इसको हमेशा ऑन करके ही खेलना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ एक बटन से ही 3 काम हो जाते हैं। पहले स्कोप ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद फायर भी हो जाता है, और फिर अपने आप स्कोप बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा इसको ऑन ही रखना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जिसका नाम है असिस्टेंस, और इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे पहला है उसका नाम है क्विक वेपन स्विच। तो अगर आपने इसे ऑन कर दिया है तो आपकी कस्टम एचयूडी में एक बटन ऐड हो जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपनी गन को स्विच कर सकते हो। और ज्यादातर जो वन टैप प्लेयर होते हैं वो इस बटन का यूज करते हैं। और वैसे ही उसी के जस्ट नीचे आता है क्विक रिलोड का ऑप्शन, जिसको ऑन करने से आपकी कस्टम एचयूडी में एक और बटन ऐड हो जाएगा, जिस पे क्लिक करने से आपकी जो गन है वो रिलोड हो जाएगी। लेकिन आप इस क्विक रिलोड वाले ऑप्शन को ऑफ ही रखना, क्योंकि आप सिंपली अपने गन बॉक्स पे क्लिक करके भी रिलोड कर सकते हो, है ना, फालतू में बटन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आता है हमारा फ्री लुक का ऑप्शन, और इसको ऑन करते ही हमें 3 ऑप्शन और दिख जाते हैं, पैराशूट, स्प्रिंट और ड्राइव। तो फ्री लुक को ऑन करने से क्या होता है कि हम भागते भागते आराम से पीछे या फिर दाएं बाएं कहीं पे भी देख सकते हैं, या फिर अगर हम पैराशूट से कूद रहे हैं तो हम आसपास ये भी देख सकते हैं कि कौन सा बंदा कहां पे कूद रहा है, या फिर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप लोग गाड़ी चलाते चलाते भी पीछे देख सकते हो फ्री लुक की मदद से, है ना। तो आप लोग इसको हमेशा ऑन रखना। और फ्री लुक के नीचे जो ऑप्शन आता है उसका नाम है ऑटो स्विच गन, है ना। तो ये भी एक काफी बढ़िया ऑप्शन
ऑप्शन है, इसको आप लोग ऑन कर लेना। तो इसका काम क्या है कि जैसे कि मान लो आपके पास दो गन है ना, और फाइट करते करते आपकी किसी भी एक गन की गोली पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो अगर आपने ऑटो स्विच गन को ऑन कर रखा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में वो गन आ जाएगी जिस गन में गोलियां होंगी। लेकिन ये बात याद रखना कि ऑटोमेटिक गन स्विच तभी होगी जब आपकी एक गन की गोली पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्लॉट जिसका नाम है थ्रोएबल्स, है ना, और इसके अंदर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ग्रेनेड स्लॉट का, तो अगर आपने अपने ग्रेनेड स्लॉट को सिंगल स्लॉट पे कर रखा होगा तो आपकी जितनी भी ग्लू होल होंगी या फिर जितने भी आपके ग्रेनेड होंगे वो आपको एक ही बटन में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे डबल स्लॉट पे कर दोगे तो आपको ग्लू होल के लिए एक अलग बटन मिलेगा और ग्रेनेड के लिए एक अलग बटन मिल जाएगा। और मैं भी इसे डबल स्लॉट पे रखकर ही खेलता हूँ, तो आप भी इसे डबल स्लॉट पर ही रखना। और उसके नीचे आता है ग्लू होल स्मार्ट थ्रो का ऑप्शन, है ना, तो ये ऑप्शन मुझे बहुत ज्यादा बेकार भी लगता है और कभी कभी सही भी लगता है। तो इस बटन से क्या होता है कि अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपकी गेम में जो ग्लू होल होती है अगर आप उस बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी ग्लू होल अपने आप ही लग जाएगी बिना फायर बटन पे क्लिक किए। और ये वाला बटन मुझे इसीलिए बेकार लगता है क्योंकि सिर्फ एक ग्लू होल वाले बटन पे क्लिक करने से आपकी ग्लू होल ही लग जाती है ना, मतलब निकाल भी लेता है ग्लू होल और वो लगा भी देता है। और शुरुआत से मैंने ऐसे ग्लू होल कभी भी नहीं लगाई है, तो इसीलिए मेरे को इस बटन से खेलने की प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जिसका नाम है मूवमेंट, तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ऑटो पैराशूट का। तो अगर आप ऑटो पैराशूट को ऑफ कर दोगे और जैसी एरोप्लेन से कूदोगे, है ना, तो आपको जल्दी जल्दी नीचे आने के लिए अपने स्प्रिंट वाले बटन पे भी क्लिक करना पड़ेगा, वरना आप हवा में झूलते रह जाओगे और बहुत धीरे धीरे नीचे पहुंचोगे। लेकिन अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो जैसे आप लोग एरोप्लेन से कूदोगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्प्रिंट वाला बटन ऑन रहेगा जिससे कि आप जल्दी जल्दी लैंड कर पाओगे, तो इसीलिए आप इसको हमेशा ऑन ही रखना। उसके बाद आता है रन मोड वाला ऑप्शन, और इसमें तीन चीजें होती है, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स्ड। तो अगर आप इसे क्लासिक पे रखोगे तो आपको भागने के लिए सिंपली एक बटन दे दिया जाएगा जिसपे क्लिक करके आप लोग आराम से भाग सकते हो। लेकिन अगर आप इसे ड्रैग पे सेलेक्ट कर दोगे तो आपको भागने के लिए कोई भी बटन नहीं मिलेगा, आपको सिंपली अपनी जॉयस्टिक को ऊपर की साइड ड्रैग करना पड़ेगा भागने के लिए। और इससे एक डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि इसको ड्रैग पे करने से अगर आप अपनी जॉयस्टिक को पकड़ के नूव वॉक करने की कोशिश करोगे या फिर जॉयस्टिक को पकड़ के घूम घूम के लूट करने की कोशिश करोगे तो आप लोग एकदम से भागने लग जाओगे, तो इसीलिए इसको क्लासिक पर ही रखना। और अगर इसे मिक्स्ड पे कर दोगे तो आपको बटन भी मिल जाएगा और जॉयस्टिक को भी ड्रैग करने से भाग पाओगे, लेकिन वो भी बेकार हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए आप हमेशा क्लासिक पर ही रखना। उसके बाद आता है व्हीकल कंट्रोल का ऑप्शन, वन हैंडेड या फिर टू हैंडेड। तो इसको अगर आप टू हैंडेड पे रखोगे तो आपको गाड़ी चलाते समय स्क्रीन पर चार बटन दिखेंगे, दो होंगे लेफ्ट राइट के और दो होंगे ब्रेक और एक्सेलरेट करने के। लेकिन अगर इसे वन हैंडेड पे रखोगे तो आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलेगा, आपको अपनी गाड़ी चलाने के लिए अपनी जॉयस्टिक से ही सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। और जॉयस्टिक से गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलती कम है, ठुकती जाता है ना, तो इसीलिए इसको टू हैंडेड पर ही रखना। उसके बाद आता है हमारा नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन जिसमें सबसे पहला है इन गेम टिप्स। तो अगर आप इसे डिफॉल्ट पे रखोगे तो आपका जो सेव जोन श्रिंक होने का टाइमर होता है वो आपको पूरा का पूरा लंबा लंबा दिखेगा स्क्रीन पे। लेकिन अगर इसे सिंप्लीफाइड पे कर दोगे तो जो टाइमर वगैरह होता है वो आपको छोटा सा दिखेगा कोने में। उसके नीचे है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन, तो इसको क्लासिक पे रखने से अगर आप किसी को किल करोगे तो वो जो किल करने का जो ऊपर फोटो सी बन के आती है वो थोड़ी सी एनिमेशन के साथ आएगी और थोड़ी सी एनिमेशन के साथ ही जाएगी। लेकिन अगर सिंप्लीफाइड पे कर दोगे तो बस वो एक फोटो आएगी और ऐसी चली जाएगी, है ना, कोई भी ट्रांजिशन या फिर एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपका लो एंड का फोन होता है तो आप इसे हमेशा सिंप्लीफाइड पे ही रखना। इसके बाद आता है हमारा लास्ट ब्लॉक जिसका नाम है विजुअल्स, और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है डैमेज इंडिकेटर का। तो अगर आप इसे क्लासिक पे रखोगे और अगर बॉडी पे डैमेज दोगे तो आपका जो बॉडी पे डैमेज होगा वो येलो में दिखेगा और जो हेड पे होगा वो रेड में दिखेगा, और जो डैमेज होता है वो थोड़ा ज्यादा देर तक स्क्रीन पे दिखेगा और छोटा छोटा डैमेज दिखेगा। लेकिन अगर इसे न्यू पर कर दोगे तो अगर आप लोग बॉडी शॉट मारोगे तो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा डैमेज, है ना, और हेड शॉट मारोगे तो रेड का ही दिखेगा, और जो डैमेज है वो आपकी स्क्रीन से जल्दी जल्दी गायब होते रहेगा और साथ ही में थोड़ा बड़ा बड़ा भी दिखेगा। तो आप दोनों में से जो मर्जी रख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा विजुअल इफेक्ट्स का ऑप्शन, है ना, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इसमें हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, क्लासिक, डार्क और नो ब्लड। तो क्लासिक पे रखने से क्या होता है कि जब भी आप सेफ जोन के बाहर रहोगे तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लगातार रेड रेड कलर के धब्बे आपके आते रहेंगे जिससे कि आपको जोन के बाहर फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और जब किसी पे फायर करोगे तो आपको रेड रेड कलर का ब्लड भी देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे डार्क पे कर दोगे तो आपको जोन के बाहर ब्लैक कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे और आपको इससे भी जोन के बाहर फाइट करने में दिक्कत होगी, और किसी के ऊपर फायर करोगे तो आपको ब्लैक कलर का ब्लड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसे नो ब्लड पे सेट कर दोगे तो आपको जोन के बाहर कोई भी दाग धब्बा देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आप जोन के बाहर आराम से फाइट ले पाओगे, और किसी पे फायर करते समय भी आपको कोई भी ब्लड देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसे हमेशा नो ब्लड पे ही रखना। उसके बाद जो हमारा हिट मार्कर है इसे आप क्लासिक,
या फिर न्यू कुछ भी कर लेना। और जो आपका टीममेट इन्फो है, अगर आप इसे ट्रांसलूसेंट पे कर दोगे और अपने टीममेट के पास जाओगे तो आपका जो टीममेट का नाम होता है उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और टीममेट के थोड़ा सा दूर जाते ही उसके नाम की जो ओपेसिटी है वो वापस से 100 हो जाएगी और पूरा का पूरा सही से नाम दिखेगा। लेकिन अगर इसे क्लासिक पे रखोगे तो आप चाहे पास जाओ या फिर दूर जाओ, आपको पूरे टाइम आपका जो टीममेट का नाम है वो पूरा व्हाइट में ही दिखेगा। तो इसे आप जो मर्जी रख लेना, मैं तो इसे ट्रांसलूसेंट पे ही रखता हूँ। और बाकी इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं बची है, बस आप लोग अपने डिस्प्ले में आना और यहाँ पे एकदम नीचे आके अपने गन शॉट अलर्ट्स को ऑन कर लेना, जिससे कि जितने भी एनिमी जहाँ से भी फायर कर रहे होंगे वो आपको अपनी स्क्रीन पे साथ के साथ दिखते रहेंगे एक बुलेट के सिंबल में, है ना। तो आप लोग इसको हमेशा ऑन करके रखना। और भाई सच बता रहा हूँ कि ये जो सभी सेटिंग्स है ना, इनकी एक एक क्लिप लाके सही तरीके से बताने में बहुत मेहनत लगी है ना। मतलब ऐसा मान लो कि यार 25-30 बार गेम में घुस घुस के निकाल निकाल के क्लिप लेके आए हो। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को बिना लाइक किए जाओगे तो यार बहुत बुरा लगेगा। और भाई प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, है ना, प्लीज कर दो, है ना, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत अच्छा लगता है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।